हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स हाय एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यू आर मार्शा एंड गुड इवनिंग अभी आज मैं क्या बता रही हूँ हाँ शुभ धनतेरस आप सबको धनतेरस के पावन अवसर पर आप सबको मेरी तरफ़ से ढेर सारी बधाइयाँ एंड शुभकामना मैं पास वाली दुकान में आई हूँ कुछ फ्लावर्स लेने फ्लावर्स की कमी पड़ गई है घर डेकोरेट एंड पूजा के लिए घर डेकोरेट में ऐसे है ना थोड़ा थोड़ा बहुत सा धनतेरस का दिवाली का टाइम चल रहा है तो थोड़ा डेकोरेट करना सजाना घर को वो तो बनता ही है ना तो दिवाली का पहला दिन है आज जो कि धनतेरस से स्टार्ट होगा एंड कल सेकेंड डे फाइव डे दिवाली होता है वो तो आप सबको पता ही है एंड धूमधाम से दिवाली अलग दिवाली जिस दिन मनाया जाता है आ, बड़ी दिवाली जिसको कहा जाता है उस दिन यहाँ पे काली पूजा होते हैं काली पूजन होते हैं और हर लोग उस दिन तो लक्ष्मी पूजन नहीं करते लक्ष्मी गणेश सरस्वती माता एंड uh, कुबेर देव जी की पूजा नहीं करते उस दिन लेकिन हाँ उस दिन uh, काली माता की पूजा होते हैं यहाँ त्रिपुरा में एंड बाकी जगह बाकी जगह में बड़ी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन होते कुबैर जी के पूजन होते हैं गणेश शुभलाभ के पूजन होते गणेश जी के पूजन एंड सरस्वती माता के पूजन होते हैं उस दिन और मैं वो भी करती हूँ वो सालों से मैं करती आ रही हूँ जब भी मैंने पूजा में स्पिरिचुअल वे में पूजा पाठ में अपना मन लगाया है ध्यान लगाया है तब से मैं वो चीज़ करती आ रही हूँ एंड uh, हाँ काली पूजन भी करती हूँ मैं और छोटा साना ऐसे मूर्ति वगैरह मैं नहीं लाती घर में ऐसे मिट्टी का जो मूर्ति विसर्जन करना होता है पूजा के बाद वो चीज़ मैं नहीं करती वही रहता है ना तो आज होगी धनवंतरी देव जी की पूजन और साथ में आ, लक्ष्मी माता के भी पूजन होते हैं और गणेश शुभलाभ जी की भी पूजन होते है आज तो वही करूँगी एंड उसके बाद बाहर दिया दीपदान करने हैं मतलब दिया जलाने हैं वही सारी चीज़ रहता है पूजा में है ना तो अच्छा लगता है ऐसे मौके में और फिर <laughs> कहा जाता है कि धनतेरस के दिन ऐसे गोल्ड सिल्वर ख़रीदना अच्छा रहता है लेकिन मेरा वो आ, मुझे जाना था एक्चुअली ख़रीदने के लिए लेकिन वो हो ही नहीं पाया तो दिवाली खत्म होने से पहले वो खरीद सकते हैं तब भी शुभ ही माना जाता है तो दिवाली तो खत्म होगी भाई दोज के दिन है ना पांच दिन रहता है दिवाली तो मैं कल खरीद लूंगी आज भी कोई कोई कुबेर जी की पूजन करते हैं सरस्वती माता की भी पूजन करते हैं आज भी कोई कोई तो वो भी मैं आ, कर लूँगी एंड नवग्रह भी पूजन होते हैं आज पूजन होते हैं मीन्स के वही है ना प्रे किया जाता है तो वो चीज़ मैं कर लूँगी एंड देखिए बाहर पे मैंने मोमबत्ती जला दिया है लाइटनिंग यहाँ पे मैंने फिर से लटका दिया है अच्छा लग रहा है जो चीज़ घर में है उसी से आ, कर, कर लिया है मैंने एक्स्ट्रा बाहर से कुछ चीज़ में लाती नहीं हूँ एंड वो है ना धन तेरस धन का प्रतीक होता है संपदा मिलते हैं घर में है ना ऐसे पूजा पाठ करने से अगर अगर आप संपद ही ऐसे खोदोगे <laughs> मतलब कि ऐसे ना पैसे ये चीज़ खरीदो वो चीज़ खरीदो ये चीज़ खरीदो बोल के आप खरीद के लाओगे घर में ढेर सारे ऐसे डेकोरेशन का सामान फिर वो तो अम, वो हो गया ना क्या कहते हैं उसको क्या जाता है क्या कह जाता है क्या कहा जाता है उसको मतलब कि वेस्ट ऑफ मनी हो गया ना तो फिर धन की भरसा कहाँ से होगी है ना आप तो धन ही लोगों को भरसा करके दे आए आपके घर कहाँ से भरसा होगी धन के है ना तो सच्चे मन से जो हो सके पूजा पाठ या फिर साधना आराधना आ, करे वही सही रहता है इसके लिए आपको ढेर सारे धन खर्च कर खर्च करने की ज़रूरत नहीं ऐसा भगवान भी नहीं कहा कि आ, मेरी पूजा तुम ऐसे करो आप ऐसे करो कि ढेर सारे धन बरसा दो फिर ऐसे करो ऐसा तो नहीं कहा ना तो मतलब आ, आ, कम आ, कम धन में आप कैसे चीज़ों को संभाल पाते हो वो असली वो मतलब क्या बोलते टेस्ट होता है परीक्षा होता है है ना तो इस परीक्षा में आप सफल हो जाओगे तो धन ज़रूर बरसेगा आपके घर में भी है ना फिर भी और मैं क्या बता रही थी बिजली पे ना क्या हो रहा है पता नहीं आज आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है बहुत है ही डिस्टर्बेंसेस दे रहे हैं मेरे को वही ना अभी पूजा पाठ कर लिया बाहर दीप दान कर लिया और फिर क्या करूँ मैं अभी मैं क्या करूँ मैं वही सोच रही हूँ क्या करूँ वही सोच रही हूँ का क्या मतलब अभी मेरे को खाना बनाने जाने हैं ओफो तो चलिए किचन में जाना होगा उससे पहले कुछ रील्स बना लूँगी देन मैं जाऊँगी किचन में और डिनर बनाऊँगी और फिर कुबेर जी पता है आप लोगों को रावण के छोटे भाई है कुबेर जी रावण पता है ना रावण आप लोग को एंड धनवंतरी देव तो औषधि आयुर्वेदा जो होता है ना उनके वो देव बनस्पति ऐसा माना जाता है धनवंतरी की पूजा करने से ना ऐसे माना जाता है कि हेल्दी रहते है ना आराधना मतलब प्रे करने से आज आज के दिन और मेरा तो इतना हेल्थ इश्यूज चल रहा है मुझे ही ज्यादा करके धनवंतरी देव के पूजन करना चाहिए और हाँ दंत दंतरस के दिन घर में धनिया ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में ना या फिर वास्तु शास्त्र नहीं वास्तु शास्त्र तो नहीं है वो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दंतरस के दिन धनिया खरीदकर ऐसे पूजा रूम में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है पर बेबी दिस इज भाभी जीज बर्थडे उनका बर्थडे है और मेनू भी उनकी पसंद का होगा ये सर क्या है भाभी जी हाय दया प्रभु जी सुनिए आप वही लिखिए जो घोष लोगों को पसंद हो सो so क्यूट वो घोष जी तो भाभी जी वो गेस्ट होता है हाँ। सही पकड़े हैं अब बात कर रहे हैं हाँ। गैया जी हमको आई लव यू बोले हां बस आप ये कह दीजिए कि आई लव यू टू गाय किधर है ये गाय आई I मीन mean, मुझे आप गाय समझ लीजिए आप तो बैल हैं तो आज डिनर में है फिश फ्राई पोटेटो गुदक तारो सुखाना बाकी है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलता है तेलन बाबा गुड नाइट कपड़े सुखा के आती हूँ